अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली प्राइम के इस अध्याय में आप जानेंगे मेंटेन अकाउंट्स के अंतर्गत बिल वाइज एंट्री ऑप्शन क्या है और इसकी उपयोगिता के बारे में। साथ ही हम बताएंगे बिल वाइज एंट्री ऑप्शन को इनेबल करना और इसे इनेबल करते समय आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। आज के अध्याय में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है बिल वाइज एंट्री। इसे हम बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन भी बोलते हैं। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बिना हम अकाउंट्स मेंटेन करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके यूं तो कई कारण हैं, पर दो मुख्य कारणों को हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला जो कारण है उसे हम एक चार्ट के माध्यम से समझा रहे हैं। मान लीजिए हमने अपने ग्राहक आजाद टीवी को 1 अप्रैल को 50,000 रुपए का माल बेचा और कहा कि इस बिल का पेमेंट आप 10 दिन बाद यानी 11 अप्रैल को कर दें। इसी तरह 2 अप्रैल को 25,000 का माल बेचा और कहा कि इस बिल का पेमेंट आप 20 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को कर दें। इसी तरह हमने तीसरा बिल 2 मई को 75,000 रुपए का बनाया और कहा कि इस बिल का पेमेंट आप 5 दिन बाद यानी 7 मई को कर दें। 31 मई को वो ग्राहक आया और बोला, भाई साहब आपके 3 बिल का पेमेंट ड्यू है, उसमें से जो बिल 7 मई को ड्यू हुआ है आप उसका पेमेंट ले लीजिए, बाकी का पेमेंट भी मैं जल्दी ही कर दूंगा। 7 मई को उस पार्टी का कौन सा बिल ड्यू हुआ है ये देखने के लिए हमने उसका लेजर ओपन किया। यहाँ ये तो मालूम पड़ रहा है कि किस तारीख का कौन से बिल का कितना पेमेंट लेना है, पर ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन सा बिल किस तारीख को ड्यू हुआ है। बस इसी समस्या का समाधान है बिल वाइज एंट्री। जब हम बिल वाइज एंट्री ऑप्शन का उपयोग करके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसके आधार पर हमें जो रिपोर्ट प्राप्त होगी उसमें हमें आसानी से पता चल जाएगा कि किस बिल की ड्यू डेट क्या थी, यानी हमें ग्राहक से किस तारीख को कौन से बिल का पेमेंट प्राप्त होना था। तो ये तो था पहला कारण जिसकी वजह से हम बिल वाइज एंट्री ऑप्शन के बिना अकाउंट्स मेंटेन करने का नहीं सोच सकते। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की। हमें किसी एक ग्राहक से कितना पेमेंट लेना है ये तो हम उसका लेजर ओपन करके देख सकते हैं, पर यदि हम सभी ग्राहकों की लेनदारी एक ही जगह पर देखना चाहते हैं और वो भी ड्यू डेट्स के साथ, तो वो हम इस ऑप्शन को यानी बिल वाइज एंट्री ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स द्वारा देख सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बताएंगे। अभी यहाँ पर आपको समझाने के लिए उस रिपोर्ट का एक चित्र बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में स्पष्ट हो रहा है कि हमें किस ग्राहक से किस बिल नंबर के कितने रुपए लेना है और हमने उसे किस तारीख को पेमेंट करने का बोला था और अभी उस तारीख से कितने दिन ऊपर हो गए हैं और उसने हमें पेमेंट नहीं दिया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, ये व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। आप इस पर अच्छे से काम करना सीख सके उसके लिए हम इस टॉपिक पर 6 वीडियोस बना रहे हैं। इनमें से 4 वीडियोस बिल वाइज एंट्री पर काम करने से संबंधित है और 2 वीडियोस इस पर आधारित रिपोर्ट्स के बारे में हैं। आपको इस ऑप्शन का सही महत्व रिपोर्ट्स देखने पर ही पता चलेगा, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इन सभी वीडियोस को जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले हम टैली में एक कंपनी बिल वाइज एंट्री के नाम से ही बना लेते हैं।
ये देखिए कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है। इसमें अकाउंटिंग के अंतर्गत मेंटेन अकाउंट्स और इनेबल बिल वाइज एंट्री ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यस दिखाई पड़ रहा है। हम इन्हें यस ही रहने देंगे। एंटर प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अभी यस है, पर अभी हम इस पर काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इस ऑप्शन को नो कर देते हैं और कंट्रोल प्लस ए से इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें, यदि आपकी कंपनी पहले से बनी हुई है तो F11 प्रेस करके कंपनी फीचर्स में ये चेक कर लेना चाहिए कि मेंटेन अकाउंट्स और इनेबल बिल वाइज एंट्री ऑप्शन यस हो। यदि ये ऑप्शन नो हो तो इन्हें यस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। चलिए अब हम कुछ सप्लायर्स और कस्टमर्स के लेजर्स बना लेते हैं। आपको हमारे बताए अनुसार काम करने में सुविधा हो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में सप्लायर्स और कस्टमर्स के नाम का एक PDF दे रहे हैं। समझने में आसानी हो इसलिए पहले हम एक कस्टमर का लेजर बना रहे हैं। ये देखिए सन्ड्री डेटा सिलेक्ट करते ही कुछ नए ऑप्शंस और आ गए हैं। इसमें हमें मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस ही रखना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। आइए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को 15 दिन की क्रेडिट यानी उधारी पर माल देंगे, तो यहाँ हम 15 टाइप कर देंगे। ऐसा करने से जब हम कस्टमर का बिल बनाएंगे तो उस पर अपने आप ही ये लिखा होगा कि इस बिल का पेमेंट कस्टमर को 15 दिन बाद करना है। आप चाहे तो बिल बनाते समय भी पहले से सेट किए गए क्रेडिट पीरियड को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद ऑप्शन है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने अपने कस्टमर खुशी ट्रेडर्स को 1 अप्रैल को 25,000 रुपए में एक TV उधार बेचा और कहा कि इसका पेमेंट 10 दिन बाद यानी 11 अप्रैल को कर देना। पेमेंट की निश्चित तारीख 11 अप्रैल निकलने के बाद वो कस्टमर आया और बगैर पिछला पेमेंट दिए या उसके बारे में हमसे कोई बात किए बिना वो बोला, भाई साहब 1 TV उधार दे दीजिए। उस समय हमें भी ये याद नहीं था कि इस कस्टमर पर हमारे एक बिल का पेमेंट ड्यू है और उसकी ड्यू डेट भी निकल चुकी है। हमने बिल बनाना शुरू किया। जैसे ही हम सेल्स वाउचर में उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करेंगे, टैली हमें एक वार्निंग देगा कि इस पार्टी का एक बिल पहले से ही आउटस्टैंडिंग है यानी कि बकाया है और उसकी पेमेंट की ड्यू डेट भी निकल चुकी है। बस यही चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री ऑप्शन को यस करने का फायदा है। यदि हम इसे नो रखते हैं तो फिर इस तरह की वार्निंग नहीं आएगी। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि सभी ऑप्शंस हमें तभी दिखाई पड़ते हैं जब हमने अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर्स या सन्ड्री डेटर्स ग्रुप सिलेक्ट किया होगा, यानी जब हम इन ग्रुप्स के अंतर्गत लेजर्स बना रहे होंगे। ध्यान रखें, यदि आपने पहले से लेजर बनाए हुए हैं और उसके बाद बिल वाइज एंट्री ऑप्शन यस किया है यानी इनेबल किया है, तो पहले से सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत जो लेजर्स बने होंगे उनमें अल्टरेशन करके आपको इन ऑप्शंस को अपनी जरूरत के हिसाब से एक्टिवेट करना होगा। अब हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह हमने इन तीनों ऑप्शंस का उपयोग करते हुए अपने सभी कस्टमर्स के लेजर्स बना लिए हैं। अब हम एक सप्लायर का लेजर भी बना लेते हैं। देखिए यहाँ भी सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप सिलेक्ट करने पर पहले की ही तरह तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं। इनमें से हम सिर्फ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रहने दे रहे हैं और नीचे के दोनों ऑप्शंस को ऐसे ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन ऑप्शंस की उपयोगिता कस्टमर्स के लेजर्स बनाते समय ज्यादा होती है। अब हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह हमने अपने सभी सप्लायर्स के लेजर्स भी बना लिए हैं। तो इस वीडियो में हमने बताया बिल वाइज एंट्री ऑप्शन क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है और इसे कैसे इनेबल करते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम बिल वाइज एंट्री ऑप्शन के अंतर्गत आने वाली
एडजस्टमेंट की चार मेथड्स, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस और ऑन अकाउंट में से न्यू रेफरेंस के बारे में बताएंगे और उसके बाद वाली वीडियोस में बाकी की मेथड्स के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।